मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकें। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है, जब आप वैक्सीनेशन हो जाने के बाद जब आप दोनों डोज ले लेते हैं तब आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाता है कोविड 19 वैक्सीनेशन के लिए। उसको आजकल जो है डिजी लॉकर पर और कोविन की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उससे डाउनलोड किया जा रहा है। उसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना है। दोनों डोज लगने के बाद ये सर्टिफिकेट जो है आपको मिलने वाला होता है। तो इसको जो है किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके दो तरीके आज मैं आपको बताऊंगा। जब भी आपके दोनों डोसेस पूरे हो जाएंगे तो आपको ये प्रोवाइड कराया जाएगा। इसकी एक हार्ड कॉपी भी दी जाती है, उसमें एक QR कोड होता है और उस QR कोड की मदद से या फिर कह सकते हैं बेनिफिशियरी रेफरेंस ID होती है आपके उसकी डिटेल में, उसको भी आप डालने के बाद जो है इन सर्टिफिकेट्स को आसानी से अपलोड और कह सकते हैं डिजी लॉकर पर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डिजी लॉकर से सबसे पहले दिखाई देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ हमें जाना है नीचे हेल्थ में। हेल्थ में जाने के बाद यहाँ जो लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये जो नीचे से सेंटर में मिडिल में दे रखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जो है आपको बेनिफिशियरी आईडी डालनी है। यहाँ पर ये आपके आधार नंबर से जो है आपकी जानकारी को उठा लेता है और यहाँ आप जैसे ही आपकी बेनिफिशियरी आईडी को डालेंगे तो पूरा का पूरा सर्टिफिकेट जो है यहाँ आपको डाउनलोड हो जाएगा। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो आपके इशूड डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, इसी तरीके से जो है आपके कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी यहां पर जो है अपलोड हो जाएगा। एक दोस्तों दूसरा तरीका है जो मैं आपको QR कोड से स्कैन करके भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी कोविन का जो है इतना स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं स्कैनर नहीं है, इसलिए उसमें स्कैन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमें कोविन रजिस्ट्रेशन पे जाना है, जिसका वीडियो हम बना चुके हैं, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। किस तरीके से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ आप कोविन की वेबसाइट पर जा सकते हैं या आपको नीचे ये लिखा दिख रहा होगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन के नीचे वेरीफाई या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, यहाँ भी हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद जो है आप ये देख पा रहे हैं यहाँ लिखा आ रहा है वेरीफाई अ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको जो सर्टिफिकेट मिला है, जो QR कोड आप स्कैन करेंगे उसके बाद आप ये जो नीचे देख रहे हैं ये पूरी प्रोसेस आप समझ सकते हैं। आपको जैसे समझ में आ जाएगा तो आपको सक्सेसफुली इस तरीके से आपके जो है नेम, एज, जेंडर, बेनिफिशियरी ID, जिस दिन आपको डोज लगा है और सर्टिफाइड जो इसने इशू किया है और इस तरीके से उसका जो है सैंपल होगा। मैं आपको यहाँ QR कोड स्कैन करके मेरे पास जो सर्टिफिकेट है मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से जो है काम करेगा। यहाँ देखिए अभी ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है QR कोड यहाँ स्कैन हो गया है, यहाँ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। जो सर्टिफिकेट हमें मिला था ये वेरीफाइड है, फाइनल सर्टिफिकेट है। आप यहाँ नेम देख पा रहे हैं, एज देख पा रहे हैं, जेंडर देख पा रहे हैं, सर्टिफिकेट की ID देख पा रहे हैं, बेनिफिशियरी ID देख पा रहे हैं, किस तारीख को डोज लगा आप ये देख पा रहे हैं, कहाँ पर लगा, और नीचे ऑप्शन दे रखा है अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है तो उसको भी जो है आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं QR कोड की मदद से। तो दोस्तों ये काफ़ी एक आसान तरीका है, इसको जो है आप यहाँ ऊपर अभी मैंने आपको जो बताया था या वेरीफाई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आप ऊपर कोविन की वेबसाइट पर जाने के बाद भी जो है आप यहां से भी कर सकते हैं। इसको आप डेस्कटॉप साइट से ओपन करेंगे, इसके बाद आपको यहां पर राइट टॉप में दिख रहा होगा यहां लिख रहा है वेरीफाई सर्टिफिकेट, ये वेरीफाई सर्टिफिकेट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं यहां से, ये देखिए ये वेरीफाई सर्टिफिकेट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे
तो आपको जो है वही ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ से जो है जो QR कोड आपको मिलेगा आप उसे स्कैन करके देख पाएंगे कि वो सर्टिफिकेट वेरीफाइड है और ऑफिशियल जहाँ से मिला है वहीं से ये आपको दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किस तरीके से चेक करना है, किस तरीके से आप उसे डाउनलोड करके डिजी लॉकर में रख सकते हैं। आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने दोनों डोज लगने के बाद इस सर्टिफिकेट को जो है डिजी लॉकर में ला सकें और कोविन की वेबसाइट से ऑफिशियली आप वेरीफाई करके देख सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।